आगरा के जिला जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों के जीवन को संवारने का बीड़ा पुलिस ने उठाया है। जहां जेल प्रशासन की तरफ से महिला कैदियों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने जीवन को नया रंग दे सकते हैं, नई मुकाम हासिल कर सकते हैं। जेल प्रशासन की इस मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। जेल के बाहर स्कूली बच्चों की ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे जेल के बाहर क्यों हैं और पुलिस इन्हें गाड़ी से कहां ले जा रही है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी मां को किसी ना किसी जुर्म में जेल की सजा काटनी पड़ रही है। में जब हम महिला बैरक का राउंड करते हैं तो महिलाओं के साथ जो किन्हीं किन्हीं अपराध में यहाँ जेलों में निरुद्ध हैं, तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को देख करके मेरे मन में पीड़ा आती थी कि अगर हमारे बच्चे होते तो हम उन्हें बाहर 3 साल के 2.5 साल में एजुकेशन के लिए भेजते, और 6 साल तक के चूंकि बच्चे जेल में अपने माँ के साथ रह सकते हैं तो यहाँ पे उनका वो विकास नहीं हो पा रहा था, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। जिला जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा कहते हैं इससे बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। कि मेन जो न्यू थी वही कमजोर हो रही थी, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इन बच्चों को कोई दोष किया नहीं है, बिना किसी दोष के जेल में निरुद्ध हैं, तो इनको क्यों ना बाहर पढ़ने की के लिए प्रयास किया जाए। आगरा जिला जेल में 115 महिला बंदी हैं, जिनके साथ 26 मासूम भी जेल में हैं। इन्हीं मासूमों के भविष्य को निखारने के लिए जेल प्रशासन ने ये सराहनीय पहल की है, ताकि इनका भविष्य जुर्म के अंधकार में ना डूब जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।